नमस्कार प्रणाम। का हाल बार वो लोगों के? आशा बा वह सब लोगों ठीक हो। आई छोटा छोटा टॉपिक लेके हम अपन यूट्यूब चैनल पे भोजपुरिया लोगन के लिए इनकम टैक्स जीएसटी के बारे में जानकारी हम शेयर करें। एक कड़ी में आज एगो वर्ड चाहे आप के कह सके नहीं, टीडीएस का होला एक बारे में जान ली। टीडीएस का होला आई चैनल जो एकरा बारे में देखी, अगर एकरा के खूब निमन से समझे तो रुआ के पता चल जाए। हो सकता राउरो टीडीएस कटत होके और रुआ ये बात के मालूम ना होके कि हमारे टीडीएस कटता, तो सबसे पहले एकरा के जाने की कोशिश कर जाओ ये होला का। अगर जाना था नहीं पहले से बहुत अच्छा बात बा, जे लोग नहीं जानत ये वीडियो के आगे तक दे। देखी भोजपुरी के एगो हीरो हमें दिनेश लाल यादव मेरा हुआ, बड़ा फेमस हीरो हमें, और हाई भोजपुरी के एगो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह सकते नहीं अजय सिन्हा जी। तो फिल्म बनी तो हीरो प्रोड्यूसर के पास जाए या प्रोड्यूसर हीरो के पास आई, फिल्म बनल निरहुआ रिक्शा वाला मान लेते। अब इनका फीस बा, फीस लिए नु जी निरहुआ जी, तो तय भेल कि 50 लाख रुपया में फिल्म करिए। अब 50 लाख रुपया में तय हो गए कि निरहुआ जी फिल्म करिए, ठीक बा। अब पैसा दिया तो का प्रोड्यूसर साहेब निरहुआ जी के पूरा के पूरे 50 लाख रुपया दे दिए? जवाब बनना करिए का प्रोड्यूसर साहेब 50 लाख में से मान लेते हैं 10% काट लिए, 5 लाख काहे कटिए? अगर यह बात समझ में आ जाए हमी के तो टीडीएस वह समझ में आ जाए, 45 लाख दे दिए। तो निरहुआ जी तो कहिए कि 5 लाख हमारे का भर, तो ये कहिए टीडीएस कट गए। काहे? सरकार के नियम बा कि जौन आदमी खर्चा करी तो केहू के आमदनी हुई, तो इनकर आमदनी भयल 50 लाख। आ 50 लाख के अभी सरकार के अगर टैक्स ना भर लें तो रिटर्न ना भर लें तो सरकार कहल कि जे पैसा दिनु काट के दी, ओकरे के कहल जला टीडीएस। अब टीडीएस इनका कट जाए तो इनका पास मजबूरी होगा, इनका रिटर्न भरे के पड़ी, सरकार के टैक्स देवे के पड़ी। यही से सरकार नियम लगैल कि जे भी आदमी के आमदनी हुई तो कहीं ना कहीं से ओकरा कोई पैसा दी, तो पैसा दी तो उसे कुछ पैसा काट ली, ओकरे कहल जला टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आय के स्रोत पे ही कर के कटौती होगा। अब सरकार के पास जाके रिटर्न भरस इनकम टैक्स में ना भरस बात के बात बा। अब इतना बात समझ में आयल तो हो गल बड़का बात। तो इन छोटका बात कहल जाओ, मान लेते नहीं कि कोई बाबा बाड़े बहुत मेहनत से पैसा कमैले, स्टेट बैंक में जाके 5 लाख रुपया इकट्ठा करके जमा कर दिले। अब जमा तो कर दिले, अब बैंक वाला का करी ब्याज दी, मान लेते नहीं 50,000 रुपया ब्याज दिल। अब हमी के बैंक पे इतना भरोसा रहेला कि जे बैंक कह दिलक वो फाइनले मानेंगे सर, मैंने वो सब सत्य बा। अब बैंक वाला 50,000 ब्याज दिलक तो अब तो इहो तो आमदनी भलिन करला, तो बैंको का करला मान लेते पैसा काटलक 5,000। अब 5,000 काटलक टीडीएस, 45,000 रुपया का कैलक इनका तो एफ डी कोयलर लग फिक्स डिपोजिट में जाके जोड़ दिल। अब बाबा के जानकारी बा ना कि 5,000 रुपया हमें कट गए, लेकिन कोटी टीडीएस कोटी काहे से सरकार के नियम बा कि जेकरा भी आमदनी हुई आ जी आमदनी दी तो बैंक वाला ब्याज देता, तो बैंक के खर्चा रहूर आमदनी। अब मान लेते हैं 5,000 रुपया यहाँ से आयल, कहीं और तो जमा कोई लोग वहाँ से आयल, सब जगह से आयल, तो पैसा अगर वह रिटर्न ना भरे तो पैसा तो काटे के जिम्मेवारी हो गल बैंक के। अब मान लेते 5,000 रुपया कटल, तो 5,000 ब्याज आयल 50,000, तो इतना इनकम तो सरकार माफ कर ले बा। सब लोग सुने नहीं जाने नहीं कि 2.5 लाख माफ बा, 5 लाख माफ बा, जोन भी बात बा वीडियो में चर्चा के बात नहीं के, लेकिन मान लेते 5 लाख माफ बा। अब 50,000 रुपया आमदनी भल, 5,000 कट गल, अरे वह था नहीं के था लगावे पड़ी, का करे? अगर टीडीएस कट गल तो रहुआ का करे पड़ी, जो इनकम टैक्स भरे वाला आदमी बा ओकरा से संपर्क करे, ठीक बा। उ आदमी का करी अपने के पैन नंबर ली,
पैन नंबर इनकम टैक्स साइट पर जाके, इनकम टैक्स के साइट पर जाके वो अपने के पैन पे देखी आ देखी कि कितना टीडीएस कटल बा। अगर मान लेते 5,000 दिखाई दिलक तो रुआ का करें रिटर्न भर लें, इनकम टैक्स के रिटर्न भर लें आ रिटर्न भर के 5,000 जो टीडीएस कटल बनू ये वापस रुआ खाता में आ जाए। सीधा सीधा बात, बहुत सारा लोग के जानकारी नहीं है बैंक में FD कह देवल जला, बहुत सारा लोग एक दूसरे के बतेबो ना करेला कि फिक्स डिपोजिट कर ले बनी कहीं फलानवा मांग ना लेवे, ओला बात नहीं के रुआ पैसा मेहनत के बाद रुआ जमा कर ले बनी, लेकिन ओकर ब्याज जो ना होता ऊपर TDS कटल। अगर रुआ सारा ब्याज 5,00,000 से ऊपर बात टैक्स देवाई के बा, चाहे से सरकार के नियम बा कि हो सकता रुआ भरी कि ना भरी तो पहले ही भाई काट ले, लेकिन अगर राउर 5,00,000 से कम आमदनी बा, 2,50,000 से कम आमदनी बा तो दूगो काम कर सकता नहीं, एक तो रिटर्न भर के फाइल TDS वापस करा सकता नहीं और दूसर का क्या करे, दूसर काम हो सकता अपने के कि रउआ का करी कि 15GH भी भर दी, 15GH बैंक में भर दे तो TDS कटबे ना करी, बतावे के पड़ी हमारा 2,50,000 से कम। बात समझ में आए, तो ई एगो छोटा सा प्रयास कि TDS का होला हम रुआ के आशा बा समझावे की कोशिश कर दिले। हम अपने गाय फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में ऐसा ही कुछ वीडियो लेके आवत रहे, बिल्कुल आसान भाषा में रुआ से कोशिश करें कि हम के रूबरू होकर जाए। आज के टॉपिक TDS का होकला, आशा बा रुआ एक बारे में समझ गए लोग, विशेष जानकारी खातिर अपन इनकम टैक्स के जो भी आदमी हुई ओकरा से संपर्क करी, पूरा चेक करके सब चीज बता दी। बन रही हमारे चैनल में मिलम कुछ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए हमरा के चाय दी, फिर मिलम।